नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। यहां चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहां सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद जब भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी तो गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गले में तख्ती लटकाकर घूमेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ दुर्गा पूजा पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। ईद पर जबरदस्ती गोहत्या करवाई जाती है, इसके बावजूद ममता सरकार चुप रहती है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, फिर भी यहाँ की सरकारें कुछ नहीं करती। अपने भाषण में योगी ने कहा कि मैं बंगाल सरकार और ममता दीदी को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज उस सरकार की हालत किसी से छिपी नहीं है। जो राम का द्रोही है उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योगी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। आज जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। अब आपको बताते हैं कि मालदा पर भाजपा की क्यों नजर है। दरअसल मालदा बंगाल में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के अधिकतर वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि मालदा इलाके में भाजपा पहले भी सेंधमारी कर चुकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा किया था। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसी क्षेत्र की वैष्णव नगर सीट को जीता था। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।